नमस्कार दोस्तों, रॉ रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलजी के रेफ्रिजरेटर की, जिसका मॉडल नंबर है GLB201APZY। ये कलर कंपनी ब्रांडिंग करती है शाइनी स्टील के नाम से, और ये 190 लीटर में आता है। इसकी स्टार रेटिंग है 4 स्टार। साथ ही साथ इसके अगर फीचर की बात करें, आज हम इस रिव्यू में कवर करेंगे स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर, मॉइस्ट एंड फ्रेश, स्मार्ट कनेक्ट और भी कई सारे इसके बेहतरीन फीचर हैं जो हम एक एक करके आपको बताएंगे। और हाँ, हम ये बता दें, ये 2 या 3 या 4 आपके फैमिली मेम्बर हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है और स्पेस भी कम कैरी करेगा आपके घर में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले इसके फीचर की बात करते हैं। पहला फीचर, स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर। जी हाँ, स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर से सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपकी पॉकेट को होगा, क्योंकि इस फीचर के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बचाएंगे। साथ ही साथ इसके अलावा साइलेंट ऑपरेशन होता है इसके थ्रू, कि आपका जो रेफ्रिजरेटर आम रेफ्रिजरेटर के हिसाब से कम साउंड करेगा, बहुत ही कम। साथ ही साथ ये आप विदाउट स्टेबलाइजर भी यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी ड्यूरेबल भी होता है रेफ्रिजरेटर। तो दोस्तों, अब इस रेफ्रिजरेटर को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर क्या कुछ है खास। तो इसको हम ओपन करते हैं। तो जैसा कि इसको हमने ओपन कर दिया है, आप देख सकते हैं सबसे पहले इसके चिलर ट्रे की, ये देख सकते हैं आप, अंदर काफ़ी अच्छा खासा स्पेस दिख रहा है। अब इसको बंद करते हैं। साथ में आप देख सकते हैं इसमें एक लाइट दे रखी है हमने, साथ ही साथ एक नॉब दे रखा है टेम्परेचर सेट करने के लिए, कम ज़्यादा बढ़ाने के लिए, जो कि हर एक रेफ्रिजरेटर में आता है। साथ ही अब इसके बात करते हैं, साथ ही हम बात करते हैं कूल एंड फ्रेश जोन के नाम से, जिसमें आप दही दूध के पैकेट्स वगैरह सब कैरी कर सकते हैं और काफ़ी ठीक ठाक स्पेस है 190 लीटर के हिसाब से। अब थोड़ा सा इसको मैं पैन करता हूँ कैमरे को और आपको नीचे दिखाता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं इसमें दो टफ एंड ग्लास का शेल्व्स का यूज़ किया गया है। टफ एंड ग्लास शेल्व्स क्लीनिंग में ईजी होते हैं और साथ ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वेट कैरी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इसके वेजिटेबल बास्केट की। वेजिटेबल बास्केट का मैं स्पेस बताऊं, इसका जो स्पेस है 12.6 लीटर के अराउंड है, जो कि एक अच्छा और एवरेज है 190 लीटर के हिसाब से। इसमें आप वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह सब कैरी कर सकते हैं और कंपनी इसको मॉइस्ट एंड फ्रेश के नाम से ब्रांडिंग करती है, जिसमें एक पैटर्न बनाता है बॉक्स के ऊपर, जिससे कि इसका जो मॉइस्चर होता है वो मेंटेन रहता है। जब मॉइस्चर मेंटेन रहेगा तो आपका वेजिटेबल फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा दिनों के लिए फ्रेश रहेगा। साइड डोर में आप देख सकते हैं इसमें रिमूवेबल गास्केट का यूज़ किया गया है, जो एंटी बैक्टीरियल है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं और साफ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें स्पेस देख सकते हैं आप, ऊपर एग कैरी करने के लिए स्पेस दे रखा है इन्होंने। मेडिसिन अगर आपको कैरी करनी हो, मेडिसिन कैरी कर सकते हैं, छोटे मोटे जूसेस वगैरह सब आप कैरी कर सकते हैं साइड में। और अब बात कर लेते हैं बोतल रैक की। बोतल रैक आप देख सकते हैं 2 रैक इन्होंने दे रखा है बोतल कैरी करने के लिए। आप इसमें 1-1 लीटर के बोतल आइजिली आप कैरी कर सकते हैं। 2 रैक आप देख सकते हैं, पानी के लिए कोई टेंशन नहीं रहेगी, 2 रैक काफ़ी होते हैं, सफिशेंट होते हैं 3 से 4 मेंबर के लिए। तो दोस्तों, इसमें एक और फीचर आता है स्मार्ट कनेक्ट के नाम से। इसको आप अपने होम इन्वर्टर पे भी इस फ्रीज रेफ्रिजरेटर को कनेक्ट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, और इसके अंदर जो फूड होगा वो लॉन्ग टाइम तक आपका फ्रेश रहेगा, बना रहेगा, ख़राब नहीं होगा। और इसमें आपको सोलर स्मार्ट की भी फीचर एक उन्होंने दे रखा है कंपनी ने। अगर सोलर के थ्रू आप कनेक्ट करना चाहते हैं अपने, तो सोलर कनेक्टिविटी भी इसके अंदर एक फीचर दे रखा है इन्होंने। और अब बात कर लेते हैं डाइमेंशंस की, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। डाइमेंशंस की बात करें, इसका जो डाइमेंशंस है मैं आपको बता दूँ, विड्थ है 534 mm के अराउंड, हाइट है 1172 mm, और डेप्थ की बात करें 650 mm है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके वारंटी की। जी हाँ, कंपनी इस पे 1 साल ओवरऑल प्रोडक्ट पे वारंटी देती है, जबकि 10 साल के लिए आपको कंप्रेसर पे वारंटी मिलती है। साथ ही साथ इसके प्राइसिंग की बात करें, इसका प्राइस आपको 15,000 के अराउंड अप्रोक्स कॉस्ट करेगा। रेट अप एंड डाउन हो सकते हैं फेस्टिव सीजन के हिसाब से। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके सवाल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू। और जो इस चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगर लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है, उनका तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।